वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने पास होंडा हॉर्नेट 2.0 BS6 फेस 2 में है ये बाइक, और इस बाइक के एक शोरूम जो कीमत है लगभग 1,39,000 रुपए के आसपास। और ये है स्टैंडर्ड वेरिएंट, इसके ऊपर एक और वेरिएंट है जो है रेप्सोल एडिशन, मतलब स्पेशल एडिशन, और उस बाइक का एक शोरूम कीमत है लगभग 1,40,000 रुपए के आसपास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस बाइक के बारे में ही बात करने वाले हैं, इस बाइक में हमें क्या क्या फीचर्स मिलता है, इसके राइवल्स में और कौन सी बाइक्स है, उन बाइक्स को छोड़ के हमें इससे क्यों लेना चाहिए, इस बाइक में ऐसा क्या चीज़ है जो सबसे आइकॉनिक लगता है, आई कैची लगता है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड बाय द वे, स्पेशल थैंक्स टू अधिकारी ऑटोमोबाइल्स जटेसर। अगर आपको शोरूम का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो नीचे आए नंबर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हर बार की तरह शुरू करता है सामने से। तो सबसे पहले यह हमें होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलता है, LED हेडलैम्प हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स इस बार LED दिया गया है और खूबसूरत डिज़ाइन के साथ, और ये डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है। उसके बाद फ्रंट USD फोक देखने को मिलता है, वो भी गोल्डन फिनिश में। ये एक बढ़िया चीज़ है, ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है कि नहीं पता चलता है इन दोनों चीज़ से, मतलब यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ये सबसे आइकॉनिक चीज़ है मेरे ख्याल से इस बाइक पर। उसके बाद मडगार्ड फाइबर का और रिफ्लेक्टर यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का। फ्रंट व्हील की बात करें तो फ्रंट में हमें 17 इंच की व्हील मिलता है। उसके बाद टायर प्रोफाइल की बात करें तो 110/70 इसका टायर प्रोफाइल है। और साइड में आते हैं तो साइड में यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग, हॉर्नेट की बैजिंग, यहाँ पे 2.0 की बैजिंग नीचे खूबसूरत सा। और फ्यूल टैंक की बात करें तो इस बाइक में हमें 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक मिलता है और 1.9 लीटर्स की रिजर्व टैंक, जो कि मेरे ख्याल से इसमें इसके हिसाब से कम है, क्योंकि जो लुक है इसका बल्कि उसके हिसाब से कम है। और उसके बाद सीट हाइट आपको 790 mm की सीट हाइट मिलता है, और ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 167 mm की, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था मेरे ख्याल से 167, इससे बढ़िया तो डियो में मिलता है 170 के आसपास। और उसके बाद इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस बाइक में हमें 184.4 cc का इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर एयरकूल टेक्नोलॉजी के साथ, जो अप्रॉक्स पावर जनरेट करता है 17.03 BHP और 15.9 Nm ऑफ टॉर्क का। उसके बाद साइड में यहाँ पे पिलियन फुट रेस्ट और चेन गार्ड आपको सिंगल साइड मिलता है, मतलब ऊपर की तरफ भी मिलता है, शारी गार्ड फाइबर का। और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, और साइड स्टैंड भी हमें इंजन कट ऑफ के साथ मिलता है। और यहाँ पे कुछ कार्बन फिनिश जैसा कुछ दे दिया, कार्बन टच नहीं है एक्चुअली, लुक दिया गया है बस। और उसके बाद टेल लैंप हमें LED टेल लैंप देखने को मिलता है, यहाँ पे इंडिकेटर्स चारों LED देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर यहाँ पे मडगार्ड फाइबर का जैसा हर बाइक्स में मिलता है। और रियर व्हील की बात करें तो रियर में भी हमें 17 इंच का व्हील मिलता है, और इसका टायर प्रोफाइल जो है 140/70 इसका टायर प्रोफाइल, मतलब इतना मोटा, मेरे से भी मोटा। रियर में भी डिस्क मिलता है, डुअल डिस्क का ऑप्शन है लेकिन सिंगल चैनल ABS के साथ। उसके बाद यहाँ पे इंजन गार्ड काउल मिलता है यहाँ पे, और किक स्टार्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट। और आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल मिलता है कुछ इस तरह का, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलता है, और ना ही कोई USB कनेक्टिविटी मुझे दिख रहा है, USB कनेक्टिविटी भी नहीं है इस बाइक में। यहाँ पे आपको टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे गियर इग्निशन, यहाँ पे फ्यूल के लिए। और स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे हेडलैम्प के कंट्रोल्स, मतलब हाई बीम लो बीम पासिंग की यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स। हॉर्न आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, यहाँ पे इंजन किल, और ये इनबिल्ट हैजार्ड लैम्प। ये एक बढ़िया चीज़ है कि अभी वायरिंग के साथ आपको छेड़खानी करना नहीं पड़ेगा, आपको इनबिल्ट ही मिलता है हैजार्ड लैम्प, और सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ही ऑप्शन है। और एक चीज़ जो इस बाइक में बढ़िया लगा मुझे वो है इसका स्लीपर क्लच, जो इस सेगमेंट में मिसिंग है। इस सेगमेंट के हिसाब से इस बाइक में बहुत कुछ ज़्यादा मिलता है, उसके साथ साथ स्लीपर क्लच भी। और इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनाते हैं एक बार, तो ऐसा है कुछ इसका एग्जॉस्ट नोट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा इस बाइक का। और क्या ही बताएं, मतलब इंजन पावर की बात करें तो पावर और थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था मेरे ख्याल से, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग पोर्ट, ये सब भी होना चाहिए था। तो अभी बात करें इस बाइक
में सबसे आइकॉनिक चीज़ों के बारे में जो सबसे ज़्यादा आई कैची है, जो लोगों की नज़र में आता है, तो वो है इसका खूबसूरत डिज़ाइन, इसका ओवरऑल लुक, इसका ग्राफिक्स। इस एंगल से अगर आप इसे देखोगे तो आपको एक स्पोर्ट बाइक की तरह ही दिखेगा। और भी बल्कि हो गया है पहले से, हेडलैम्प को और भी फ्लैट कर दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद यूएसडी फोक, वो भी गोल्डन फिनिश में, ये एक बढ़िया चीज़ है, यहाँ से खूबसूरत लगता है ये। और उसके बाद इंडिकेटर्स की डिज़ाइन, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब बाकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है डिजिटल, आपको एक बारी में ऑफ हो जाता है, ऐसा नहीं। अगर हम इसे ऑफ करते हैं तो जैसे ये स्टार्ट होता है वैसे ही ये ऑफ भी होता है। ये एक बढ़िया चीज़ है, ये लोगों के नज़र में आने वाली चीज़ है। तो ये रहा इस बाइक की ओवरऑल लुक, इसमें मिलने वाले फीचर्स। तो अभी बात करते हैं इस बाइक में हमें कौन कौन सी फीचर्स मिलना चाहिए था। तो सबसे पहले इस बाइक में USB कनेक्टिविटी मिलना चाहिए था, वो नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलना चाहिए था, वो भी नहीं है। और इंजन पावर थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकता था मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये बाइक आएगा उसके हिसाब से और थोड़ा सा 1-2 BHP ज़्यादा हो सकता था इस बाइक पे। बस यही सब चीज़ें हैं जो इस बाइक पे मिसिंग है। अगर ये सारी चीज़ें होती तो इस बाइक को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती थी, इसकी सेल्स को और भी बूस्ट कर सकती थी। और बात करें इसके राइवल्स की, मतलब इस बाइक के कंपटीशन में और जो बाइक्स है, ये बाइक 200cc सेगमेंट में कंपटीशन नहीं दे सकता, क्योंकि उस बाइक में आपको और भी ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलता है। और ये बाइक कंपटीशन देगा 160cc सेगमेंट की, NS160, RTR160, ये सारे बाइक्स को, अपाचे RTR180, इन बाइक्स को ये बाइक कंपटीशन दे सकता है। उस बाइक के मामले में ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड है, बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि उन बाइक्स से इसमें आपको लुक वाइज, फीचर्स वाइज बहुत कुछ ज़्यादा मिलता है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इस बाइक में हमें 12 लीटर की फ्यूल टैंक मिलता है और 1.9 लीटर की रिजर्व टैंक, जो कि एक और चीज़ है, फ्यूल टैंक 14 लीटर की हो सकती थी, अगर होती तो काफ़ी अच्छा होता। ये जैसा कि इसका लुक है बल्कि, उस हिसाब से 12 लीटर की टैंक छोटी है मेरे ख्याल से। तो बस फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगले वीडियो में।